चलिए बात करते हैं आज एसी और डीसी के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा, एसी और डीसी दो प्रकार की सप्लाई अपने पास होती है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि एज ए प्रैक्टिकल तौर पे कभी कभार उनको ये सवाल पूछ भी लिया जाता है कि आपके पास वो सप्लाई है और एसी और डीसी के बारे में मालूम करना है, प्रैक्टिकली तौर पे मालूम कीजिए। तो प्रैक्टिकली तौर पे अपने एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें अपन एसी और डीसी दोनों के बारे में जानकारी या दोनों को फाइंड कर सकते हैं। तो लेके चलते हैं हम प्रैक्टिकल एसी एंड डीसी। मेरे पास इस प्रैक्टिकल के लिए आपको क्या चाहिए होगा, एक आलू। आप मार्केट से आलू उठा लाइए, पर आलू के बीचों बीच चाकू से दो टुकड़े कर लीजिए। आलू लीजिए आप, बीच में से उसको काट लीजिए, और जो आपके पास सप्लाई है, चाहे एसी हो या डीसी हो, आप सप्लाई दीजिए। यदि आपके पास, मान लेता हूं मैं, मेरे पास डीसी है, तो डीसी के दो पॉइंट होते हैं, एक प्लस एक माइनस। तो क्या करना आपको, मेरे पास मान लीजिए ये माइनस वाला भाग है, उसको आप आलू में लगा दीजिए, और जो प्लस वाला भाग रहता है आपका, उसके बीच में आप एक लैंप लगा दीजिए। लैंप लगा दिया और इसे तार वापस बाहर ले गए, लैंप और ये वाला भाग इस आलू पे थोड़ी दूरी पे लगा लीजिए, पास में लगाइए थोड़ी दूरी पे, ताकि जो परिणाम अपने को देखना है वो अपन देख सके। जैसे ही आप ये सेटअप करेंगे और यहां से सप्लाई ऑन करेंगे, तो क्या होगा कि ये जो आलू है, ये जो अपने यहां आलू लगा हुआ है, इस आलू के अंदर जो अपने डीसी सप्लाई के वायर लगाए हुए हैं, उसके ऊपर एक रिएक्शन होगी, और रिएक्शन के साथ में क्या है, जो ये पॉजिटिव वाला सिरा होगा, धनात्मक सिरा होगा डीसी का, वहां पे एक रिएक्शन होगी, एक क्रिया होगी, प्रतिक्रिया होगी, यहां इसके सिरों के पास पास में एक ग्रीन कलर एक हरा रंग केमिकल रिएक्शन से उत्पन्न हो जाएगा। यहां पर एक हरा रंग का इसके सिरों के पास में हरा रंग उत्पन्न हो जाएगा, और नेगेटिव सिरों पे किसी प्रकार की कोई रिएक्शन नहीं होगी, कोई रिएक्शन नहीं होगी। और यदि मैं बात करूं एसी के बारे में, ये था डीसी के बारे में, तो ऐसा कैसा सेटअप वापस कर लीजिए, एक आलू लीजिए, बीच में से काट लीजिए, और चूंकि अपन एसी पे काम कर रहे हैं तो एसी के दो पॉइंट होते हैं, एक फेज एक न्यूट्रल। मैं न्यूट्रल लेता हूं, उसको इसी तरह से वापस इसके अंदर लगा दीजिए, और जो फेज होगा उसके बीच में वापस से एक लैंप लगा दीजिए, और यहां से जो सीधा बाहर निकल रहा है उसको आप आलू में लगा दीजिए। ये फेज होगा आपका और लैंप लगा दिया। अब जैसे ही आप यहां सप्लाई दोगे, तो आलू के अंदर जहां दोनों सिरे अपने लगाए हुए हैं, तो इनके सिरों के ऊपर भी रिएक्शन होगी और ये कलर उत्पन्न होगा इसके सिरों के आसपास, ये कलर रहेगा हरा, और जो माइनस वाला सिरा है उसके ऊपर भी एक कलर उत्पन्न होगा, जो वो भी हरा ही रहेगा। तो अब मालूम कैसे करना है, यदि आप यहां एसी से सॉरी डीसी सप्लाई देते हो, तो उसमें सिर्फ धनात्मक वाले सिरे पर ही हरा रंग उत्पन्न होगा, जबकि एसी वाले में क्या होगा, एसी जो सप्लाई है वो जब आप यहां देते हो, तब क्या होगा,
इनके दोनों सिरों पर हरा कलर उत्पन्न होगा। ये आपका नॉर्मल एक प्रैक्टिकल है, जिसमें अपन यदि आपको कोई सप्लाई मिल जाए एसी और डीसी मालूम करना हो तो आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि जब एसी होगी तो उनके दोनों सिरों पर हरा रंग उत्पन्न होगा, जैसा कि यहां आलू के साथ में हो रहा है। और यदि डीसी है तो मात्र धनात्मक सिरे पर, पॉजिटिव सिरे पर हरा रंग उत्पन्न होगा। ये केमिकल रिएक्शन उनके साथ में होती है आलू के साथ में। तो अब आपको मालूम पड़ गया होगा क्या करना है आपको। एसी बीसी अपन कैसे मालूम कर सकते हैं। धन्यवाद।